अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूँ शबीना ठाकुर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शबीना ली। आज मैं आप सभी के लिए स्ट्रॉबेरी की बेहतरीन लस्सी लेकर आई हूँ और ये बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से ये बन जाती है। तो स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये सीजनल स्ट्रॉबेरी लिए है। ये तकरीबन हमने 12 से 15 लिए है और ये 1 कप गाढ़ी दही और ये चीनी। तो चलिए इन तमाम चीज़ों से हम स्ट्रॉबेरी लस्सी तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ ये स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश कर लिए है और अब इसके ऊपर जो ये क्राउन है उसे निकालेंगे। अब स्ट्रॉबेरी को पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हम जब ये इसे ब्लेंड करेंगे तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। तो देखिए, हमने इस तरह से सारे स्ट्रॉबेरी को कट कर लिए हैं। अब मिक्सी जार लेना है और इसमें जो ये कट किए हुए स्ट्रॉबेरी है इसे डालेंगे। चीनी डालेंगे, चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डालें। स्ट्रॉबेरी खट्टी है और दही भी खट्टी है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये दही डालेंगे, 1 कप के करीब हमने दही लिया है। और ये चुटकी भर हमने नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीजों को ब्लेंड कर देते हैं। तो देखिए, तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिए हैं और अब इसे हम सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ एक सर्विंग डिश लिए है और ये कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे और ये स्ट्रॉबेरी के फ्लावर बना देंगे इस तरह से। हम देखिए, और अभी जो इसका क्राउन है इसे हम बीच में इस तरह से रख देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल फ्लावर। और अब हमें जिस ग्लास में सर्व करना है उसे भी इस तरह से स्ट्रॉबेरी को कट करके रखेंगे। और अब इस ग्लास में जो स्ट्रॉबेरी की लस्सी हमने बनाए है उसे डालेंगे। और ये कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस है इसे भी हम इस तरह से रखेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना एकदम डिलीशियस और यमी, और कितनी खूबसूरत बनी है देखिए। तो आप भी इसे बनाएं और सारे फैमिली मेंबर्स एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी ये स्ट्रॉबेरी लस्सी कैसी बनी है। अगर स्ट्रॉबेरी लस्सी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए कुकिंग विद शबीना ली पर। बाय बाय।